अस्सलाम वालेकुम। मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। इसके लिए मैंने 1 किलो गाजर ली हूँ, 1 कटोरी घी ली हूँ, ये 1.5 कटोरी शक्कर डालूँगी, और ये मैंने 250 ग्राम मावा लिया है, थोड़ा काजू बादाम मैंने घी में रोस्ट करके बारीक काट लिया है, और ये 1/2 लीटर दूध है जिसको मैंने गर्म करके रखा है। अब मैं बनाने जा रही हूँ हलवा गाजर का। मैं इसमें थोड़ा सा पहले घी डालूंगी और मैं ये इतना घी बचा लूंगी। घी हमारा गर्म होगा तो मैं इसमें ये जो गाजर है ये डालूंगी। ये हमारा घी गर्म हो गया है, अब मैं इसमें ये गाजर डालूंगी। ये गाजर को हम 5 से 10 मिनट अच्छे से चला के थोड़ा सा घी अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा इसी में हम गलने देंगे। मैं इसमें दूध अभी नहीं डालूंगी, बाद में डालूंगी। ये हमारा 5 मिनट हो गया है, ये तेल में घी अच्छे से मिक्स हो गया है। मैं इसको अभी और 5 मिनट हाई फ्लेम पे ढक के रखूँगी ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए और इसका थोड़ा सा उसमें मिल जाए घी। बस मैं इसे थोड़ा ढक के 5 मिनट तक छोड़ दूँगी। ये हमारे 5 मिनट हो गए हैं, गाजर हमारी थोड़ी हल्की सी नरम हो गई है। अब मैं इसमें दूध डालूंगी, मैं इसमें से 1/2 ही दूध इसमें डालूंगी, मुझे पूरा दूध नहीं चाहिए। बस मैंने इसको घी में भूना है ना तो इसमें दूध हमारा कम ही लगेगा। अगर मावा नहीं डालते हो आप तो 1/2 लीटर 1/4 लीटर दूध डाल देना। मैं मावा डाल रही इसलिए 1/2 लीटर जितना ही दूध मैंने इसमें डाला है। अब मैं इसे ढक के पकने छोड़ दूंगी। ये हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, ये हमारा दूध इसमें अब्सॉर्ब हो गया है। अब मैं इसमें 1 कटोरी जो शक्कर है हमारी ये डालूंगी। ये शक्कर 1/2 किलो जितनी है। अगर मुझे मीठा थोड़ा कम लगा तो मैं इसमें 1/2 कटोरी शक्कर और डालूंगी। हम लोग थोड़ा मीठा कम खाते इसलिए मैंने शक्कर अभी फ़िलहाल 1 ही कटोरी डाली है। अगर मुझे कम लगा तो मैं डालूँगी। अभी ये शक्कर भी अपना पानी छोड़ेगा और इसमें हमारी गाजर थोड़ी और गलेगी। ये हमारे 10 से 15 मिनट हो गए, मैंने इसे अच्छे से शक्कर डाल के जितना भी पानी था इसका चला चुके सुखा लिया है। अब मैं इसमें ये जो हमारे मावा है 1/2 इसमें मैं डाल दूंगी। मैंने मावे को थोड़ा कद्दूकस करके रख लिया था, वो मैं इसमें 1/2 डाल दूंगी और हम थोड़ा बचाएंगे और थोड़ा जो ड्राई फ्रूट है वो भी मैं इसमें थोड़ा डाल दूंगी। थोड़ा हम ऊपर से गार्निश करेंगे और जो इसमें मैंने जो घी बचा के रखी थी मैं वो घी भी इसमें अभी डाल दूंगी। अब हम इसे अच्छे से चला के पकाएंगे। हमारा हलवा बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ज़रा सी ऊपर से असली घी डालूंगी। असली घी डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। बस अब ये 2 से 5 मिनट में मैं इसे गार्निश करके आपको दिखाऊंगी। ये हमारा गाजर का हलवा तैयार हो गया है। आप इसे बनाइए, खाइए, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
ये खाने में बहुत टेस्टी है और मुझे इसमें सिर्फ एक वाटी ही शक्कर लगी, मैंने और इस पर एक्स्ट्रा शक्कर नहीं डाला है। आप इसे बना के खाइए, ये बहुत अच्छा बना है। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।